धान समेत सभी अनाजों के समर्थन मूल्य पर हुई वृद्धि को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का जो ढांचा दिख रहा है वो भाजपा सरकार का ही खड़ा किया हुआ है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने धान समेत सभी कृषि उपज के मूल्य में हुई पर्याप्त वृद्धि पर अन्नदाताओं का सम्मान करते हुए दुर्ग भाजपा कार्यालय आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा किसानों के प्रति समर्पण भाव से कार्य करते हैं, उन्होंने धान समेत सभी कृषि उपज के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर अन्नदाताओं का सम्मान किया है। इस मूल्य वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन भी करते हैं। धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 2040 से अब 2183 रुपया कर दिया गया है। मोदी जी की सरकार द्वारा की गई ये वृद्धि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में 1310 रुपए की तुलना में करीब 67% अधिक है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के बढ़े समर्थन मूल्य का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही मोटे अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि कर भी प्रदेश के किसानों के हित में कल्याणकारी कदम उठाया गया है। भाजपा सरकार ने न सिर्फ MSP बढ़ाई बल्कि जन धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ ये भी सुनिश्चित किया कि बढ़ी हुई MSP का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीदी का भी रिकॉर्ड देश ने बनाया है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के झूठे दावों के उलट प्रदेश का दाना दाना धान मोदी की सरकार ही खरीद रही है। इस मध में पिछले 4 वर्षों में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक केंद्र सरकार ने दिया है। वहीं कथित न्याय योजना के नाम पर अनेक किस्तों में केवल 11-12 हजार करोड़ देकर ही भूपेश सरकार ऐसी डींगे हांक रही है मानो उसी ने सारी खरीदी है। इसके साथ ही दुर्ग सांसद विजय बघेल ने विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने लिया है, उसी विषय पर चर्चा करने आप सबके बीच में है। मैं आप सबको आमंत्रित किया था। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, महामंत्री भाई ललित चंद्राकर जी उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। जो केंद्रीय बजट था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, 5 गुना केंद्रीय बजट में भी बढ़ोतरी हुई आज तक के इन 9 वर्षों में, और ये बताता है कि किसान हित में कितने गंभीर हैं और कितने वो किसानों के को प्राथमिकता रखकर अपनी सरकार चला रहे हैं। अभी जो धान की MSP हुई, क्योंकि हम लोग किसान पुत्र हैं और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को माना जाता है, प्रमुख रूप से धान में ही राजनीति बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन उस भाव के साथ हमारी पार्टी और हमारे नेता काम नहीं करते, सेवा भाव से हमारे नेता काम करते हैं और उसी भाव को प्रदर्शित करते हुए अभी जो धान में रिकॉर्ड 143 रुपया बढ़ोतरी की गई है और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी साल में एक बार नहीं हुई और अभी जब हम लोग 2040 में पिछले साल धान बेचे थे MSP में, अभी उसकी कीमत बढ़ के 2183 रुपया हो गई है। अब ये वावाही उठते हैं यहाँ के मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि मैं किसान हितैषी हूँ, एक मुश्त राशि समर्थन मूल्य का माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, 2183 रुपया इस साल हमको मिलेगा जब अगले साल फसल आएगा। अभी हमको 2040 रुपया डायरेक्ट हमारे खाते में मोदी जी भेज रहे हैं एक मुश्त, और ये राजीव गांधी योजना के तहत 4 किस्तों में किसानों को राशि दे रहे हैं और लगातार चूंकि MSP बढ़ रही है, शुरू साल में ये 685 रुपया लिए अंतर की राशि, उसके बाद हो गया 635 रुपया, फिर 632 रुपया, फिर 562 रुपया, फिर 400 MSP बढ़ा रहे हैं, तो इनकी भूमिका कम होते जा रही है और फिर भी वाहवाही लूट रहे हैं। मगर आज तक किसान हित में काम करने वाला मोदी जी वाहवाही नहीं लूट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्यों का और सेवा भाव का हम लोग काम कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है उसके बाद पूरे विश्व में खाद की कीमत बढ़ी है और रिकॉर्ड बढ़ी है, मगर फिर भी
जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया गया, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर खाद की कीमत यथावत रखें, जबकि डबल हो जाता वो। आज भी DAP यूरिया और पोटाश फास्फेट सब यथावत उसी कीमत पे दे रहे हैं, ये किसान इनकी बात है। चावल खरीदने की जहाँ तक बात कहें, सेंट्रल पूल से चावल का आर्डर होता है, आप अगर 19 की बात करें तो उस समय 24 लाख मीट्रिक टन चावल का आर्डर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आया। उस समय बहुत बवंडर की कि किसान विरोधी, हमारा धान बच जाएगा, 85 लाख मीट्रिक टन हम लोग धान खरीद रहे हैं और उसमें बच जाएगा, हमारा धान खपत नहीं होगा, किसान लूट जाएगी, ऐसा है वैसा है, सांसदों के ऊपर हम लोग के ऊपर आक्षेप लगाए। अब जब 2 साल से 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आदेश लगातार आ रही है और दे रहे हैं, उसमें लगभग इस साल 90 लाख मीट्रिक टन धान की खपत हुई है, तब वो क्यों धन्यवाद नहीं देते? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप इसमें धन्यवाद दीजिए ना मोदी जी को, आपके पास 17 लाख मीट्रिक टन धान बचा, उसमें आप PDS के लिए धान चावल बना रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं बचा। आज संग्रहण केंद्र में सारे कर्मचारी वहाँ से हटाए जा रहे हैं। सांसद जी, मुख्यमंत्री परसेंटेज के बात करें ना, उसका आंकड़ा हमारे यहाँ पड़ा भी है, तो वो झूठ बोलने के आदि हो गए और झूठ बोल बोल के वो कुछ भी आंकड़ा बताते हैं। उनके पास आंकड़ा का मकड़ जाल है और मकड़ जाल सिखाने वाले उसके सिपा सलाहकार है। तो मेरे से डायरेक्ट किसी TV में वो आ जाए डिबेट में, मैं बात करूंगा उनसे, आप आमंत्रित करिए, मैं आऊंगा आपके TV में और मैं बात करूंगा आपके मीडिया के सामने कि किस तरह मेरा आंकड़ा है और आपका आंकड़ा है, और एक ऐसा जानकार बैठाएंगे वहाँ पे जो सही आंकड़ा बताएगा। आंकड़े मेरे को मत बताए, 26,000 मतलब अभी तक जो कांग्रेस की सरकार आज तक रही स्वतंत्रता के बाद, उसकी संख्या वो है। थोड़ा सा कंफ्यूज उसमें मत होइए, ये जो 9 साल है उसमें आत्महत्या की संख्या कम हुए हैं। हमारी सरकार के समय जो 0% ब्याज दर में कर दिया जा रहा था, हमारी सरकार ने शुरू किया ना डॉक्टर रमन सिंह जी, 0% ब्याज, एक भी पैसा ब्याज का नहीं लगा, उस समय के किसान का आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। सर, किसान समाप्त हो गया, किसान ऋण नहीं लेते थे, किसान सिर्फ 0% ब्याज का लेते थे और उसके कारण ऋण में जो दबते जा रहे थे किसान, वो कर्ज मुक्त हुए हैं और तब से खुशहाली किसानों के मन में आई है, तब से आत्महत्या रुकी है। लेकिन इस किसान ये सरकार आने के बाद फिर से एक बार यही हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।